ये खड़ा हुआ है स्टैचू, इसको जाना ड्रा हुआ, ठीक है। हाँ तो भैया आप सबके उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई मैंने एक चीज नोट की है, अगर आपको ये बात ठीक लगे तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। भाई बेस्ती और सर्दी ये दो चीजें ऐसी हैं कि आप जितना महसूस करेंगे आपको उतनी ही लगेगी। तो वेलकम हो गया आप सबका मोस्ट फनी वीडियोस ऑन इंटरनेट की सीरीज के 43वें पार्ट में। बहुत चंगा ना मैं। तो चलिए फिर आज हम आपको कैमरे में रिकॉर्ड जाने वाली कुछ ऐसी मजाकिया वीडियोस दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगी, आपने एंड तक देखना है और लाइक करने के बाद चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब ये मजा आएगा ना वीडियो। तो हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग देखें कि जब मेरा दोस्त ढोल बजने की आवाज सुन ले तब। और इस वीडियो में जरा आप लोग इस बैट्समैन की ये बेहतरीन 360 शॉट भी चेक करें, भाई इसके तो क्या ही कहने। लड़का होनहार है। आगे गेंद, ये कलाइयां, इनका बल्ला। और ये बंदा गोल मारने के लिए दिमाग तो बड़ा ही बेहतरीन लगाता है, लेकिन सामने वाले ने भी कसम खाई हुई थी कि उसने बॉल को तो गोल में जाने ही नहीं देना। और अब जरा आप लोग इस लड़के की बात भी सुने जिसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये बबूमा का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन हाय हाउ आर यू, आई एम विद द साउथ अफ्रीकन लेजेंड कैप्टन, व्हाट्स योर नेम प्लीज। गजब बेइज्जती, मजा आया। और दोस्तों अब जरा आप लोग इस लड़के की वीडियो भी देखें जो कि जुमे की नमाज पढ़ने के बाद जो दुआएं मांगता है ना भाई, उसे सुनने के बाद तो एक पल को फरिश्ते भी हैरान रह गए होंगे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, या अल्लाह इस जुमे के सदके 4 बीवियां, 20 बच्चे, 500 रब नगद, 10 गाड़ियां, पुरसकून जिंदगी, शहादत की मौत, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और 70 हूरे नसीब फरमा। वाह पुत्र, बस इन्नी चीजा हले तो तू कुछ मंगे ही नहीं, 100-150 चीजा और मंग लेनी सी। और भाई अब जरा आप लोग इस मौलवी साहब को फाइट की प्रैक्टिस करता हुआ भी देखें। और ये बंदा यहाँ पर आराम से बैठकर खाना खा रहा होता है, लेकिन जरा आप लोग देखें कि इसके दोस्त इसके साथ क्या सीन कर देते हैं। और जब कोई सवाल करने के बाद टीचर इशारा करते हुए कहे कि नहीं तुम नहीं वो पीछे वाला बताएगा, तो उससे सवाल न होने पर उस स्टूडेंट की खुशी। और लूडो खेलते वक्त इस बंदे को 6 चाहिए होता है और भाई साहब के नसीब से वो आ भी जाता है, तो जरा हम इनकी खुशी चेक करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और वैसे तो लोगों को कई तरह के दौरे पड़ते हैं, लेकिन अचानक इस बंदे को नफसियाती डांस का दौरा पड़ गया, तो जरा आप इसके काम चेक करें। कौन है ये लोग? और दोस्तों ये बंदा लोगों को पार्टी दे रहा होता है, लेकिन जिस तरह से ये बीच में बैठा हुआ बंदा खा रहा है ना भाई, इस बात की तो गारंटी है कि इस बंदे ने दोबारा ऐसे कभी भी पार्टी नहीं देनी। और जब डॉक्टर हम जैसे चाय के आशिकों से कह दे कि आपने दिन में 1 कप से ज्यादा चाय नहीं पीनी, ले फिर हम 1 कप चाय पीते हुए। और भाई इस बंदे के साथ तो ये क्रेन वाला भी सीन कर देता है, जरा आप लोग ये वीडियो चेक करें। और जब ये डब्बा नीचे गिर रहा होता है तो भाई साहब इसे तुक्के से पकड़ लेते हैं, लेकिन यार ये तो खुद को स्पाइडर मैन ही समझने लगा है। <हो? laughs>
और इस रेस में ये बंदा अपना 200 का आईक्यू इस्तेमाल करते हुए ये ट्रिक लगाता है, लेकिन यार रेस तो ये फिर भी नहीं जीत पाता। और इस बंदे से शायद कोई इसकी सर की चमक का राज पूछ लेता है, तो भाई साहब तो अपनी जीती जागती चमक के साथ वीडियो बना रहे हैं। हेलो और जब होमवर्क ना करके आने पर सर मेरे दोस्त से इसकी वजह पूछ ले, ले फिर मेरा दोस्त सर को टोपियां करवाते हुए। तो मुझे एक रात में 27 ड्रिप्स लगी थी, एक रात में। और आमने किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि दुआ करें कि ये बच जाए। और ये कवाल अपनी कवाली गाने की फीस तो लेता है, लेकिन यार जरा आप लोग देखें कि ये साथ ही साथ अपना साइड बिजनेस भी कर रहा है। और दोस्तों आप लोगों ने ये वाली मीम तो देखी होगी। तो भाई ये मीम इस लड़की की वीडियो पर बिल्कुल फिक्स बैठती है। और ऐसा क्यों कहते हैं कि जब तक काम मुकम्मल न कर लिया जाए तब तक उसकी खुशी नहीं मनानी चाहिए। भाई हम लोग आपको बताते हैं, जरा आप लोग ये वीडियो देखें। और भाई हमारे सर स्टूडेंट से कहा करते थे कि सब लोग अगर पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए तो ये सब्जी और फ्रूट्स की रेडियो को लगाएगा। यार ये लोग इस चीज की फुल ट्रेनिंग कर रहे हैं। और शो के दौरान वसीम बदामी सवाल करते हैं कि फुटबॉल की दुनिया के 3 R बहुत मशहूर हैं, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? जरा आप लोग इस लड़के का जवाब सुने। फुटबॉल की दुनिया के 3 R बड़े मशहूर है, 3 R ऑफ फुटबॉल। बता सकते हैं नाम उन 3 खिलाड़ियों के? रोनाल्डो, और दूसरा रियोनाल मेसी। और इस वीडियो में जरा आप लोग पीछे इंडियन क्रिकेटर अश्विन के काम भी चेक करें, जो कि अपनी जैकेट को किस तरह पहचान रहा है। नो। और दोस्तों जब ये मशीन इस लड़के को इसका वजन और इसके बारे में 2-3 चीजें बताती है, तो जरा आप लोग इसकी बात भी सुने। आप 50 किलो हैं। आप गरीबों का साथ देते हैं और प्यार में झुक जाते हैं। मैं खुद गरीब हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके।